हेलो एवरीवन, तो आज से मैं न्यू मांगा सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका नाम है द वाइफ कॉन्ट्रैक्ट एंड माय डॉटर्स नैनी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखोगे। तो चैप्टर वन की स्टार्टिंग में फीमेल एमसी को दिखाया जाता है जो बोलती है मैं जेंग क्सियाओ हूँ और इस साल मैं 22 ईयर्स की हुई हूँ। फिर हमारे हीरो को दिखाया जाता है, फिर जेंग बोलती है मैं जस्ट कॉलेज से ग्रेजुएट हुई हूँ और करेंटली मैं सिंगल हूँ। फिर उसकी गोदी में एक बेबी गर्ल होती है जो उसे मॉमी बोलती है और जेंग बोलती है लेकिन सडनली मेरे पास बेबी है। तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट। फिर एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेंग ट्रॉली में वेजिटेबल्स को लेकर गाना गाते हुए रोड क्रॉस कर रही होती है। तभी आवाज़ आती है हे केयरफुल, और एक कार तेज़ी से आती है और जेंग को टक्कर मारकर उसे गिरा देती है, जिस वजह से जेंग का सारा सामान बिखर जाता है और वो बोलती है आ ओ माय गॉड। और उस कार का ड्राइवर बाहर आकर बोलता है हे गर्ल, क्या तुम अंधी हो, तुमने मेरी कार नहीं देखी क्या। और दो आदमी अंदर बैठे हुए इंसान को देख कर मिस्टर मू बोलते हैं। जेंग अपने हाथ को ही देखे जा रही होती है। फिर उस कार में से एक आदमी निकलता है जो एमसी होता है और उसका नाम मू चेन है, जो मू कॉरपोरेशन का जनरल डायरेक्टर है। एक आदमी जेंग पर चिल्ला रहा होता है कि तुम्हें मरना है क्या, जब भी रोड पर ट्रैवलिंग करती हो ना तो तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन का ध्यान रखना चाहिए। और ड्राइवर मू चेन से माफ़ी मांग रहा होता है कि मिस्टर मू सॉरी, मैं बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रहा था, मैं टाइम पर ध्यान नहीं दे पाया और इसी वजह से इस लड़की के साथ टक्कर हो गई। जेंग गुस्सा करते हुए सोचती है डैम। वो आदमी जेंग पर चिल्लाता है हे तुम क्या चाहती हो। जेंग गुस्से में बोलती है बास्टर्ड नो स्टैंडर्ड्स, तुमने मुझे हिट किया, नॉट ओनली मुझसे माफ़ी मांगी लेकिन ऊपर से मुझे ऑफेंड भी कर दिया। मू चेन जेंग से पूछता है क्या तुम प्रोटेस्ट हो, तो जेंग भी गुस्से में चिल्लाती है तुम। और तभी मू चेन की कार में से एक बेबी गर्ल निकलती है और जेंग की जो सब्जियाँ गिर गई थी उसमें से कैरेट उठा लेती है और जेंग के पास जाकर उसकी ड्रेस खींचने लग जाती है। फिर जेंग उसे देखती है तो वो बेबी गर्ल जेंग को मॉमी बुलाती है। मॉमी सुनकर जेंग शर्मा जाती है और बोलती है क्या। फिर उस बेबी गर्ल के माथे पर हाथ रखते हुए बोलती है ओ लवली बेबी, मॉमी नहीं सिस्टर। लेकिन फिर भी वो बेबी गर्ल जेंग को मॉमी ही बुलाती है। फिर जेंग उसे अपनी गोदी में उठाकर बोलती है ओ तुम कितनी अच्छी बच्ची हो। तो मू चेन जेंग को अपनी बेबी गर्ल के साथ खेलते हुए देखकर अपनी वाइफ को याद करता है और अपने मन में सोचता है टोंग टोंग। और तभी वहाँ पर एक लेडी आकर बोलती है मिस्टर मू सॉरी, मैं उस पर ध्यान नहीं दे पाई। फिर मू चेन को खांसी आ जाती है। फिर वो लेडी उस बेबी गर्ल को अपने पास लेते हुए बोलती है यंग लेडी प्लीज़ वापस कार में चलो। और वो बेबी गर्ल मॉमी मॉमी कहते हुए रोने लग जाती है। फिर मू चेन उसे अपने पास ले लेता है और तभी भी वो मॉमी कहते हुए रोए जा रही थी। और उस बेबी गर्ल को रोते हुए देखकर जेंग भी थोड़ी परेशान हो जाती है। मू चेन भी जेंग को देखता है और वो आदमी जो थोड़ी देर पहले जेंग पर चिल्ला रहा था वो बोलता है मिस्टर मू। तो मू चेन बोलता है चलो, तो वो आदमी बोलता है यस सर। जेंग उन्हें जाते हुए बस देखती रहती है और कुछ भी नहीं बोल पाती है, बस अपने मन में सोचती है आ मू। आई होप कि आप लोगों को इस स्टोरी में इंटरेस्ट आ रहा होगा और चैप्टर वन तो यहीं पर ही ख़त्म होता है। अगर आप इस कहानी का अगला पार्ट देखना चाहते हो तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि मैं इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करूँ कि नहीं करूँ। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, और बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा।